का जायका एक और एक्साइटिंग और मजेदार एपिसोड लेकर हाजिर हूँ मैं शोभना और मेरे साथ शेफ पवन, फूड स्टाइलिस्ट, कंसल्टेंट और अब यहाँ हमारे साथ जायका में बहुत सारी मस्ती करने के लिए। तो शेफ, आज तीन इंटरेस्टिंग रेसिपीज तो आप लाए होंगे, शुरू किससे करने वाले हैं? आलू मटर और भुजिया की टिक्की के साथ। वाओ, आलू मटर और भुजिया की टिक्की बनाने के लिए आपको चाहिए आलू बॉईल और मैश किए हुए 3, नमक और पेपर स्वादानुसार। स्टफिंग के लिए हरे मटर कुक किए हुए 1 कप, बटर 2 टेबलस्पून, जिंजर मिंस किया हुआ 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 1/4 टीस्पून, रेड चिली पाउडर स्वादानुसार, क्यूमिन सीड्स रोस्ट और ग्राउंड किए हुए 1/4 टीस्पून, आलू भुजिया स्टफिंग के लिए तेल, पैन फ्राइंग के लिए थोड़ा सा ऑयल गरम कर लें पैन में। ओके, हम लोग पहले इसके थोड़े मसाले भून लेंगे। एक क्रश जीरा। अब आप आलू मटर की टिक्की कह ही रहे हो तो मैं आई कैन इमेजिन कि इसमें कितने इंटरेस्टिंग मसाले जाएंगे। रेड चिली पाउडर, ये बड़ी सिंपल सी रखी है बट द फ्लेवर सब इंग्रेडिएंट की अपनी अच्छी फ्लेवर। तो आपने जीरा डाला था, लाल मिर्च डाली और अब डाला गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर, ओके। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा चॉप जिंजर। ऑलराइट, उसको थोड़ा सा भून लेंगे। ओके, हल्का सा जल ना जाए मसाला। एंड इसमें इमीडिएटली ऐड करेंगे बॉइल्ड क्रश्ड पोटैटोस। ये पहले से उबाल के क्रश करके रखे हुए हैं पोटैटोस और उनको इन मसालों के साथ। बिल्कुल ध्यान रहे कि जो पोटैटोस आप यूज करते हैं ज्यादा ग्रीसी ना रहे, ग्रीसी रहेगा तो टिक्की बाइंड नहीं होगी। ओके, तो पानी बिल्कुल सूख जाना चाहिए जब आप इसको स्ट्रेन करते हैं। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे बॉइल्ड क्रश्ड ग्रीन पीस। ओके, वाओ, इवन द कलर कॉम्बिनेशन इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार। इसको हम लोग फिनिश करने वाले हैं चाट मसाले से, तो नमक थोड़ा सा कम रखें। इस समय भी हम लोग थोड़ा सा ऐड कर लेंगे चाट मसाला ताकि वो अंदर भी थोड़ा अंदर भी थोड़ा सा उसका फ्लेवर, थोड़ा सा अनसॉल्टेड दरपाक का बटर। ये आपका बेसिक मिक्सचर रेडी है, इसको थोड़ा ठंडा करने के लिए रखेंगे। आलू मटर की टिक्की विद भुजिया स्टफिंग। सो शेफ, आप बताइए हमें कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कब करेंगे? बस अभी हम लोग ये मिक्सचर ठंडा हो गया, ठंडा हो गया है। स्कूप इट अप, स्कूप इट आउट ऑफ द बाउल। थोड़ा सा इसको फ्लैट कर ले हाथ में और इसको बीच में एक वेल जैसा बना ले। ऑलराइट, ठीक है। इसमें हम लोग फिलिंग करेंगे भुजिया की। दिस इज सो इंटरेस्टिंग, मतलब आई डोंट नो, ये कभी स्ट्राइक नहीं हुआ है। दिस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन कुड हैव वर्क्ड विद सो मेनी डिफरेंट टिक्कीज। या एक्चुअली इसका आइडिया ये है कि जब आप इसको ब्रेक करके खाएंगे क्रिस्पीनेस आएगा अंदर। बिल्कुल, आई मीन हु विल नॉट लव हैविंग भुजिया इनसाइड अ टिक्की। उसके बाद इसको ठीक से सब तरीके से सील करके इसको वापस से फ्लैट कर दें हल्के हाथ से। ये आपकी टिक्की रेडी है। बिल्कुल, इसको अभी हम लोग करेंगे फ्राई। ओके, शैलो फ्राई, शैलो फ्राई कर सकते हैं या नॉन स्टिक अगर पैन हो बिल्कुल कम ऑयल में आप उसको कर सकते हैं फ्राई। ये आलू टिक्की पैन पे, अगर ज्यादा मोटा होगा तो ठीक से पकेगा नहीं, ठीक से क्रिस्पी नहीं होगा, तो वी हैव टू मेक इट इक्वल। आलू टिक्की बिल्कुल रेडी है, गैस ऑफ करके आप स्पून का यूज कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली हाथ से कर लेता हूँ अभी इसको। यहाँ पे एक टिक्की को ओवरलैप कर दे, प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छा दिखेगा। बिल्कुल, ये तीसरी टिक्की है और इसको हम सर्व करेंगे मिंट चटनी के साथ। सो मिंट चटनी का एज अ डिज़ाइन इधर डाल दें। एंड ऑफ कोर्स द किम्बॉल टोमेटो केचप जो हमेशा हर टिक्की के साथ रहता है। देयर यू गो, वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल। तैयार है आपका आलू मटर भुजिया की टिक्की। आलू मटर और भुजिया की टिक्की बनाने का तरीका है, पहले एक पैन में जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला पाउडर, जिंजर और मैश किए हुए ग्रीन पीस को डालें, फिर इसमें सॉल्ट, चाट मसाला, बटर ये डालकर इसे ठंडा करने के लिए रख दें। अब अपने मैश्ड पोटैटोस को लेकर उसमें नमक और पेपर डाल के अच्छी तरह मिला लें। अब पोटैटो मिक्सचर का एक पोर्शन लेकर उसे एक बॉल की तरह बना लें, फिर उस बॉल को हल्का सा फ्लैटन करके एक पैटी के शेप में ले आएं। अब इस पैटी में जगह बनाकर आलू की भुजिया सेंटर में डालकर उसे अच्छी तरह से बंद कर दें। अब बहुत जेंटली इन पैटीज को फ्लैटन करें और फिर इन्हें पैन फ्राई करें दोनों तरफ जब तक कि वो क्रिस्प गोल्डन ब्राउन ना हो जाएं। फाइनली इन्हें सर्व करें चटनी या केचप के साथ। आलू मटर की टिक्की के साथ भुजिया, लेकिन अब इसके साथ भी कुछ होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, गर्मा गर्म कप
चाय, ऑफ कोर्स आलू कुजाए की गर्मा गर्म चाय। तो चलिए शेफ नेकी और पूछ पूछ, हम तो हैं तैयार। फटाफट मैं अब शेफ के लिए और अपने लिए आलू कुजाए की गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ और हम दोनों इस चाय का मजा लेते हैं। उतने में आप लोग एक छोटा सा ब्रेक लीजिए और जल्दी से वापस आइए, बिकॉज दिस इज लुड़पैक और पुक का जायका।